हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो से ही संबंधित पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये पूरी की पूरी वीडियो तैयार की गई है विकिपीडिया के थ्रू, तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ विकिपीडिया पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल वहीं से मैंने ली है। तो खुफिया ब्यूरो की बात करें, जिसे आईबी के रूप में जाना जाता है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है और ख्यात रूप से दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। इसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। तो 1947 में किया गया था गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, इसके गठन की धारणा के पीछे यह तथ्य हो सकता है कि 1885 में मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर को शिमला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खुफिया विभाग का क्वार्टर मास्टर जनरल और प्रमुख नियुक्त किया गया था 1885 में। उस वक्त उसका उद्देश्य था अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की तैनाती पर निगरानी रखना, क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस बात का डर था कि कहीं रूस उत्तर पश्चिम की ओर से भारत ब्रिटिश पर आक्रमण ना कर दे। तो उसका उद्देश्य यही था कि 1885 में जो भी घटना घटी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1947 में इसको गृह मंत्रालय ने केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया था। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी के बारे में। तो पूरी तरह से अगर स्थापना की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो प्रमुख रूप से जो स्थापना होती है वो होती है 1887 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, जो कि दिल्ली भारत। ठीक, और कर्मचारी की बात करें तो पूरी तरह से वर्गीकृत है, डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट में। संस्था कार्यपालक है राजीव जैन इसके, ठीक, और खुफिया ब्यूरो के निदेशक। मात्र संस्था जो इसको जिसके अंडर में ये आती है वो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर बात करें थोड़ी और डिटेल में, तो 1909 में भारतीय अराजकतावादी गतिविधियों के पनपने की प्रतिक्रिया में इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में 1921 से इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि आईपीआई कहा गया। यह सरकार द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी थी। आईपीआई को संयुक्त रूप से भारत कार्यालय और भारत सरकार द्वारा चलाया जाता था। भारत कार्यालय के नागरिक और न्यायिक विभाग सचिव और भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक को संयुक्त रूप से रिपोर्ट भेजी जाती थी, और यह स्कॉटलैंड यार्ड और MI5 के साथ करीबी संपर्क बनाए रखता था। ठीक है, तो उसकी आप जिम्मेदारियां, गतिविधि, कामकाज, रैंक, प्रतीक चिन्ह, प्रचालन, आलोचना, मीडिया में चित्रण, ये सब आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर अभी ओपन किया है रैंक और प्रतीक चिन्ह, तो यहां देख सकते हैं आईपीएस के लिए। तो यहां रैंक वाइज आप बात कर सकते हैं, सबसे नीचे स्वीपर है, फिर कॉन्टीजेंसी, फिर क्लर्क, पुलिस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, कनिष्क खुफिया अधिकारी ग्रेड, इस टाइप से यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए दिए हैं। मुख्यालय पूछ सकता है कब इसका भारत इंटेलिजेंस ब्यूरो में बनाया गया, तो वो बनाया गया था 1947 में, वैसे 1885 में पहल हुई थी, यानी कि 1887 में इसको पूरी तरह से मान्यता देकर इंटेलिजेंस ब्यूरो बना दिया गया था। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो नाम दिया गया वो 1947 से दिया गया है। तो आप विकिपीडिया पर जाकर इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। मेरे को बस ये जानकारी देनी थी, कल एग्जाम है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, एक क्वेश्चन तो कम से कम बन सकता है आपका, तो इसको जरूर पढ़कर जाए। ठीक है गाइस, बस इतना ही बताना था आपको, ये जानकारी देनी थी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब